हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बूटा पथरी जा रहे हैं और आज हम आपको बूटा पथरी का दर्शन करवाएंगे। अभी जो है कि इवनिंग का टाइम है, 3 बज चुके हैं और 3 बजे हमें वहां से मुश्किल से क्रॉस करना पड़ा, तो अभी हम जा रहे हैं बूटा पथरी और आज आपको हम बूटा पथरी का पूरा नज़ारा करवाएँगे इंशाअल्लाह। तो बने रहिए हमारे साथ, देख लीजिए बूटा पथरी में कितना बर्फ़ है अभी मौजूद। वाह वाह क्या नज़ारा है। अभी भी रोड पे बर्फ़ जो है मौजूद है, पूरा ये रोड पे जो है बर्फ़ जो जम चुकी है, बिल्कुल जम चुकी है। यहाँ पे जो गाड़ी चलानी है बड़ी मुश्किल है, धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा और कितना अच्छा खासा बर्फ़ यहाँ पे मौजूद है। हालाँकि अभी हम नागिन वन तक भी नहीं पहुँचे, अभी हम बूटा की ओर जा ही रहे हैं, नागिन वन की ओर जा रहे हैं, मगर आप सीन देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सीन है, बहुत ही खूबसूरत। जगह कम होने की वजह से गाड़ियों को आगे पीछे करना पड़ता है, दे आर कोऑपरेटिव पीपल्स, ये कोऑपरेट करते हैं। ये कोई शक नहीं, टक गली चेक नहीं, चेक भी वो जट दिया चले सरदारी सर लगे चेक नहीं, हां बड़े चेक नहीं, उत्ते वाले नाल लाई बैठो यारी, रखी अख नहीं, वेरी कख नहीं, गेम घूम दिया बैठे फोन चेक नहीं। और ये बूटा पथरी में एक छोटा सा तालाब है, आज का इसका व्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ जो है कोरा लग चुका है पानी को, बिल्कुल पानी का के अंदर आप देख सकते हैं कि कोरा पूरा लग चुका है, अभी पानी जम चुकी है, इतना ठंडा यहाँ पे होता है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा खासा व्यू। और ये आज के हैं हमारे प्यारे प्यारे मेहमान, इनसे हम पूछेंगे कहाँ से आए। मैडम कहाँ से आए? हम गुजरात से, नर्मदा। नर्मदा से आप? सर गुजरात से, नर्मदा से। तो अभी आप गुलमर्ग में घूम रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बूटा पथरी में कैसा लग रहा है? एकदम चिल्ड, बहुत मजा आ रहा है, ठंडा बहुत है। यस, ठंड का महसूस बहुत हो रहा है आपको? एंजॉय कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, मजे कर रहे हैं ना? बिल्कुल, वेरी गुड। क्या कहना चाहोगे और लोगों को, बूटा पथरी आना चाहिए? बूटा पथरी और गुलमर्ग और मेनली तो कश्मीर में आओ घूमने का, कश्मीर की सिटी ही अलग है। ओके, थैंक यू वेरी मच। शाबाश, ये जा रहे स्केट करके नीचे, वेरी गुड, उड़ गए पापा की परे, उड़ गए। आखिर में हमने आग जलाई और बूटा पथरी में अभी हम बहुत ही नागिन टू पे, और बहुत ठंड लगा है हमें इस वक्त, इसलिए हमने ये आग जलाई और अभी हम जो है अपने हाथ वगैरह सीख रहे हैं यहाँ पे। ये बन रही है हमारे लिए मैगी, और मैगी तो धुएं में दिख नहीं रही है, उधर से देखो नेचुरल तरीके से मैगी बन रही है। अभी डर रहा है इसमें मसाला, सब्जी वगैरह भी डल गई। यहाँ पे मैगी खाने का कुछ अलग ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा ये मैगी खाने में। ये देख सकते हैं पीछे बर्फ और पीछे वो शफर्ट हट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैगी जो है हमारे लिए बन रही है, पानी वगैरह भी इसमें डल रहा है, अभी सब्जी वगैरह डल चुके हैं इसमें। नेचुरल तरीके से मैगी बन रही है, बहुत ही टेस्टी होने वाली है ये मैगी, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये मैगी, वेरी गुड। और ये यहाँ पर बहुत ही तेज आते हुए मैडम, जी मैडम क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं गुजरात से, नर्मदा, और नर्मदा यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी, आप लोग जानते होंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, वहां से आ रही हूँ। अभी हम गुलमर्ग में है, बूटा पथरी देख के आए हैं, बहुत ही अच्छा है, स्नोफॉल हुआ था 2-4 दिन पहले, इसलिए यहाँ पे एकदम हम बर्फ में बहुत घूमे और मस्ती भी की है, और सबसे गुजारिश कर रही हूँ कि यहाँ पे आओ घूमो, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है वैसे यहाँ पे भी बहुत मजा आएगा। शबीर भाई जो आपके साथ है, इसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत ही अच्छे भाई हैं, ये हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और गाइड, और पूरा हमको सब कुछ बहुत अच्छा बताया, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हमको ये मौका दिया और यहाँ पे हमारे साथ आए। थैंक यू वेरी मच।